श्री सेवायतन ने इस अति पिछड़े और अभावग्रस्त गांव को गोद लेकर इसे आचार्य विद्यासागर आदर्श ग्राम नाम दिया है। इस गांव की आधारभूत सुविधाओं की पूर्ति हो गई है। यहां के लोगों की संपूर्ण शिक्षा और चिकित्सा श्री सेवायतन द्वारा कराई जा रही है। शुद्ध पेयजल इन्हें नसीब नहीं था, अब इनके घर के समीप ही पेयजल उपलब्ध हो गया है। साथ ही घर में रोशनी के लिए सोलर लालटेन और गांव के किनारे लगाए गए सोलर स्ट्रीट लाइट ने गांव को एक अलग पहचान दी है। एवं आचार्य विद्यासागर के आदर्शों के अनुरूप अब संपूर्ण बिगदाहा गांव पूर्णतः नशा मुक्त और शाकाहारी हो गया है। कोई विकास के बारे में कोई चीज नहीं सोच पाते थे, न और कोई काम कर पाते थे, वो नशे में हर समय डूबे रहते थे। ट्रेनिंग करने के बाद एक विकास की क्रांति फैल चुकी है। और सेवायतन में हम लोग जुड़े हुए और आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़े हुए करके हम लोग शाकाहार हो गए। विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति अब बढ़ गई है। यहाँ की बेकारी और बेरोजगारी दूर करने के लिए श्री सेवायतन ने सरकार के सहयोग से एक महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की है। इस योजना के तहत गरीब परिवार को दुधारू गायें देकर रोजगार दिया जाएगा। इसके लिए बाजार भी उपलब्ध कराया जाएगा। प्रथम चरण में कुल 500 परिवारों के मध्य 1000 गाय वितरित करने की योजना है। ऐसे परिवार होंगे जो नशा मुक्त और निराश्रित होंगे। ये काम बहुत महत्वपूर्ण है और आप जानते हैं कि समेत शिखर विश्व का सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है। तीर्थ क्षेत्र की रक्षा और तीर्थ यात्रियों की सुरक्षा, ये हमारे सामने एक बहुत बड़ी चुनौती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर हम लोगों ने इसकी ओर ध्यान नहीं दिया तो एक दिन ऐसा भी आ सकता है कि हमें आना कठिन हो जाए। और आप जानते हैं मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं। मैं अपील यह करना चाहता हूं जैन समाज के सारे बंधुओं से, चाहे वो किसी भी पद पर आसीन हो, किसी भी तरह से हो, लेकिन वो जैन हो, तो इस प्रत्येक जैन का ये दायित्व बनता है कि इस समीर शिखर तीर्थ की रक्षा, ग्रामजनों के दिल में हम लोगों के प्रति एक अच्छे विचार, ग्रामजनों में एक ऐसा उत्कृष्ट वातावरण बनाने के लिए सारे लोगों से सहयोग की अपेक्षा है। जब कभी भी वो आवे अथवा डाक से हमारे सेवायतन को ऐसा सहयोग करें ताकि जो निश्चय हमने कर रखा है उसकी पूर्ति हो। मैं समझता हूँ कि इतने बड़े काम किसी एक व्यक्ति से नहीं हो सकते हैं, किसी एक संस्थान से नहीं हो सकते हैं। ये काम तो तभी हो सकता है कि पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में जो भी जैन भाई हमारे हैं, जो भी जैन परिवार हैं, वो पूरे तन मन धन से सहयोग करें। मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेवायतन के साथ सारे लोग जुड़ें। ये बहुत ही पवित्र काम है, बहुत ही शुभ कार्य है, क्योंकि मानव सेवा से, मैंने अभी कहा, मानव सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। अगर हम लोगों के प्रयत्नों से क्षेत्र के 14 गांवों के हजारों परिवार सुख और समृद्ध होते हैं, स्वावलंबी बनते हैं, शाकाहारी बनते हैं, मद्यपान से दूर होते हैं, तो वे जाति से भले जैन न हो लेकिन आचरण से तो वो निश्चित रूप से जैन होंगे। और हम समझते हैं कि बहुत बड़ा काम तभी होगा जब समाज में रहने वाले सारे लोग हम लोगों के साथ सेवायतन के साथ जुड़ेंगे और तन मन धन से पूरा सहयोग करेंगे। यही मेरी अपील है, यही मेरा अनुरोध है और मुझे पूरा विश्वास है कि समेत शिखर के प्रति जो लगाव है, समेत शिखर के प्रति जो श्रद्धा है उसको पूरा करने के लिए भी हम निश्चित रूप से जुड़ेंगे। लोग जुड़ भी रहे हैं और अपेक्षाएं के अनुकूल आगे की प्रगति भी होगी। मुनिश्री की प्रेरणा से कुछ समर्पित कार्यकर्ताओं की टीम आगे आई और श्री सेवायतन के नाम की एक संस्था का गठन हुआ। श्री सेवायतन का मूल उद्देश्य तीर्थराज के पवित्रता को बनाए रखने के लिए पर्वत पर बसे लोगों को वैकल्पिक रोजगार देकर पर्वत के नीचे बसाना है।